जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। अब इससे पहले कि आप थंबनेल पे जो लिखा हुआ था उसे पढ़ने के बाद मुझे अपने प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर चेहरे वाले मुंह से गालियां देने लगें, मैं आपको बता दूं कि मेरा ऐसा बिल्कुल भी मानना नहीं है और मेरी ऐसी बिल्कुल भी सोच नहीं है। लेकिन क्या होता है, जब आप सवेरे सवेरे अपनी आँख खोलें, आपकी नज़र जाए ट्विटर के ऊपर और ट्विटर के ऊपर आपको ये हैशटैग ट्रेंडिंग करता हुआ दिखे कि भैया राहुल गांधी हमारे पीएम होंगे, तो जाहिर सी बात है दिल को थोड़ा सा झटका तो पहुंचता ही है। क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बीजेपी वाले ही मानते हैं कि भाई राहुल गांधी पीएम नहीं बन सकते, बल्कि कई सारे कांग्रेसी भी हैं जो कि अंदरूनी रूप से ये चीज़ जानते हैं कि राहुल जी पीएम नहीं बन सकते। और कई विपक्षी दल भी ऐसे हैं जो कि राहुल गांधी को सिर्फ इसलिए कांग्रेस का लीडर बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर कांग्रेस का लीडर कोई अच्छा व्यक्ति बन गया तो उन छोटे छोटे जो दल है ना, उन सभी से जो पीएम कैंडिडेट की दावेदारी हमेशा ठोकते रहते हैं महागठबंधन के नाम पर, उन सब का पत्ता कट जाएगा। इसीलिए कोई भी ये नहीं चाहता कि भाई राहुल बाबा जो है अपनी सीट छोड़ें, बल्कि सभी लोग ये चाहते हैं कि राहुल बाबा जिस तरीके से कांग्रेस को लीड कर रहे हैं उसी तरीके से वो करते रहें। क्योंकि देखिए, समय सभी का खत्म होता है। कैप्टन अमरिंदर सिंह इस बात के सबसे बड़े जीते जागते सबूत हैं। पंजाब में उनसे बड़ा शायद कोई नेता नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से राहुल गांधी ने अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए नवजोत सिंह सिद्धू को वहाँ का कांग्रेस का अध्यक्ष घोषित कर दिया है, हालांकि ऐसी सुगबुगाहट है कि जो ये पप्पू नाम दिया जाता है ना, ये भी सिद्धू जी की देन है। तो जब सिद्धू जी की विरासत इतनी लंबी है और इतनी जुड़ी हुई है कांग्रेस के साथ, तो जाहिर सी बात है उनको इसका रिवॉर्ड तो मिलना ही था। तो राहुल श्री गांधी जी ने उनको इसका रिवॉर्ड भी दे दिया और उनको कांग्रेस का अध्यक्ष भी बना दिया पंजाब में। अब ये बात एक अलग है कि भाई वहाँ पर बात चल रही कि एक म्यान में दो तलवारें रहेंगी, कि वहाँ पर अमरिंदर सिंह और सिद्धू साथ साथ कैसे आगे बढ़ेंगे। देखिए, ऐसा है, राहुल गांधी जी की प्लानिंग बहुत तगड़ी होती है, उस प्लानिंग के ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं करना चाहिए। मतलब आप प्रणब मुखर्जी जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, उनके राष्ट्रपति बनने की आप टाइमिंग को ही देख लीजिए। अगर वो उस समय राष्ट्रपति नहीं बन रहे होते तो फिर वो कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे जो कि प्रधानमंत्री की कुर्सी की दावेदारी ठोक सकते थे। लेकिन ऐसा हुआ क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। उनको और आगे बढ़ा दिया गया, उनको बनाया गया राष्ट्रपति, और फिर भाई राष्ट्रपति बनने के बाद तो अच्छे अच्छों का खैर ठीक। तो प्रणब दा जो थे वो हमारे देश के राष्ट्रपति रहे, लेकिन हाँ, कांग्रेस में कोई भी बड़ा लीडर अभी तक मुंह नहीं खोल पाता, चाहे फिर वो कपिल सिब्बल हो, गुलाम नबी आज़ाद हो या और भी कोई बड़े लीडर हो। लेकिन ट्विटर के ऊपर जब ये हैशटैग ट्रेंड करता हुआ दिखता है तो जाहिर सी बात है दिल में एक सवाल तो उठता ही है कि कौन लोग हैं जो कि ये हैशटैग को ट्रेंड करा रहे हैं। भाई कुछ तो मानसिक स्थिति रही होगी, तो चलिए हम भी ज़रा देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जो ट्विटर के ऊपर इस प्रकार की बातों को फैला रहे हैं और आमजन के मन को ठेस पहुँचा रहे हैं। सबसे पहले देखेंगे तो भैया भारत गोहिल जी ने लिखा है, राहुल जी पीएम बनेंगे, स्टैंडिंग इंडियन पीपल हैं। समझ में नहीं आया, वैसे भाई साहब ने तारीफ करी है या बुराई करी है। बबलू पंडित लिखते हैं, ऑफर्ड विदाउट कमेंट्स, राहुल जी पीएम बनेंगे। अब इसके ऊपर लिखा हुआ है वेलकम का एक मीम है, ये क्या खबर छापी है, घोड़ों की रेस में अब गधे भी दौड़ेंगे। मीम है भाई साहब, बस मीम है एक और कुछ नहीं। इसके आगे देखिए, निशांत लिखते हैं, कांग्रेसी सपोर्टर्स, राहुल गांधी विल बी आर पीएम, ले बीजेपी सपोर्टर्स और अंदर ही अंदर कुछ कांग्रेसी। अब आप खुद ही पढ़ लीजिए भैया, हम नहीं पढ़ रहे, लोग बिना मतलब बहुत ही फिरकी लेते हैं। देखिए प्रशांत सोनिया, हीरा हैं ये तो, रायपुर के हीरा हैं भाई साहब, लव यू राहुल गांधी जी, लव यू। आह टी शर्ट देखिए आप इनकी, बॉडी शॉडी बल्ले छल्ले, ठीक है। मानव गुप्ता लिखते हैं, राहुल जी पीएम बनेंगे, नेक्स्ट पीएम श्योरली विल बी द बेस्ट पीएम। अब यहाँ पर इस तस्वीर में 1, 2, 3, 4, 5, 6 कैमरामैन को मिला लें और ये माला वाले आदमी को मिला लें तो 8, और माता जी को मिला लें तो 9 लोग हैं। अब इन 9 लोगों में से किसके पीएम बनने की बात कर रहे हैं, अगर आप लोगों को समझ में आए तो भैया कमेंट में लिख के बताइएगा मुझे। दीप्ति शर्मा भी लिखती हैं, राहुल जी पीएम बनेंगे, आई एग्री, ये सीए हैं, अच्छा हिसाब किताब करने को मिलेगा भाई। अभी तो भ्रष्टाचारी चल नहीं रही है, घोटाले हो नहीं रहे हैं मंत्रियों में, अब जब राहुल गांधी जी बनेंगे तो जाहिर सी बात है इन चीज़ों में बढ़ोतरी आएगी, तो सीए लोगों की भी तो आमदनी बढ़ेगी भाई। बहुत सही बात है, बहुत सही बात है, आई फुल्ली एग्री विद दीप्ति। इसके आगे सार्कास्टिक युवा लिखते हैं, चमचास ट्रेंडिंग, राहुल जी पीएम बनेंगे। अब राहुल जी की तस्वीर के नीचे लिखा है, पागल वो नहीं जिसे भूत पिशाच दिखाई देते हैं, पागल तो वो है जिसे राहुल गांधी में देश का भविष्य दिखाई देता है। ऐसे नहीं कहते भैया, देखिए किसी की भी सार्वजनिक तौर पर इस प्रकार की बुराई का मैं पूर्ण रूप से निंदा करता हूँ, कड़ी निंदा करता हूँ। इसके आगे सुप्रदीप लिखते हैं, राहुल जी पीएम बनेंगे, स्टिल अ बेटर कैंडिडेट फॉर पीएम देन, अच्छा भिड़े बेहतर है राहुल गांधी से, वैसे एक मव्य ए वो सेक्रेटरी तो है ही, वो क्या कहते हैं एक मव्य एक तव्य पता नहीं क्या सेक्रेटरी तो है, वो भी बिना किसी नेपोटिज्म के। एंग्री, दोज हु ट्रेंड दिस नीड, राहुल जी पीएम बनेंगे, दिमाग से पैदा लोगों के लिए सुबह दोपहर शाम, बाबा। अविनाश लिखते हैं, कांग्रेस ड्रीमिंग, राहुल जी पीएम बनेंगे, ले पीपल फिर से आ गया रे बाबा, तू जा रे तू जा। वो कई सारी वो होते हैं ना यार जिसमें कि ऐलान कर दिया जाता है
कि राहुल जी जब पीएम बनेंगे तब ऐसा कर दिया जाएगा, ये उस तरह की बात है कि राहुल जी जब पीएम बनेंगे तब पेट्रोल 40 रुपये लीटर होगा। भाई सीधे सीधे बोल दो ना कि कभी नहीं होगा। चांद बाबू लिखते हैं, आर लीडर इज ओनली राहुल गांधी, आई सपोर्ट द स्टैंड। भैया इसी चक्कर में कांग्रेस की लुटिया डूब रही है। कुछ समझदार लोग, कुछ पढ़े लिखे लोग, कम से कम आप लोग तो ऐसा नहीं कि राहुल गांधी को उठा के अब राजनीति से बाहर रख दो, पर क्या होता है आप किसी को मार मार के इंजीनियर डॉक्टर नहीं बना सकते। आपको समझना पड़ेगा कि उसकी क्या कैपेबिलिटी है, आपको समझना पड़ेगा कि वो किस चीज़ में अच्छा है, उसके बाद आपको उसको इस चीज़ में भेजना चाहिए। आप ज़बरदस्ती किसी को किसी फील्ड में भेजेंगे तो वो कैसे ही अच्छा करेगा, खुद ज़रा सोचिए ना इस बारे में। इसके आगे दोज हु आर ट्रेंडिंग राहुल जी, बहुत अच्छा, लो इसी बात पर 1 रुपये का नगद पुरस्कार लालू जी दे रहे हैं। रियल वॉइस ऑफ इंडिया, आहा हा भाई यार रियल वॉइस, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भी भारी कमी थी। देखिए ये तो चलिए ठीक है, ऑक्सीजन की कमी वाला कांड तो खैर क्या ही बोलें, सारे स्टेट्स जो हैं उन सभी ने अपने अपने तरफ से तर्क दिए हैं। और देखिए जब भी इस प्रकार की कोई आपदा होती है ना, सभी स्टेट्स जो होती हैं चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, मैं साफ बोल रहा हूँ चाहे वो पक्ष की हो या विपक्ष की हो, सभी लोग आंकड़े छुपाते ही हैं क्योंकि सबको अपने प्रदेश की स्थिति बिगड़ती हुई अच्छी नहीं लगती। इसके आगे विवेक लिखते हैं, राहुल जी पीएम बनेंगे आफ्टर द स्टैंड भक्त, अच्छा खबरदार जो मेरे मोदी को कुछ बोला। भैया ऐसा नहीं है, कई कांग्रेसी हैं जो कि अंदर ही अंदर पलट के अपने ही वालों को ये चप्पल मार रहे हैं कि सालों ऐसा ट्रेंड करोगे। ये देखिए गणेश लिखते हैं, इंडिया नीड्स कांग्रेस, अरे इंडिया नीड्स कांग्रेस, बाप रे क्या तो फुल फॉर्म बनाते हैं भैया, लोग फेल हो जाएंगे। ही इज़ बेस्ट एंड ओनली ऑप्शन फॉर इंडिया। आप देखो फिर वही तस्वीर आ गई, भैया इस तस्वीर में 8 लोग और एक माता जी हैं, हमें तो ये जानना है कि कौन है वो बेस्ट ऑप्शन। अभी इनने बहुत बड़ा लिख दिया, चांद बाबू ने नहीं पढ़ना। जे के मॉडिफाइड, कांग्रेसी एंड झमचाज और ट्रेंडिंग राहुल जी पीएम बनेंगे, वी इंडियंस वांट टू नो विच कंट्री, इटली और बैंकॉक। मीनवाइल पहले उसको अध्यक्ष तो बनाओ चमचो, अध्यक्ष भी कौन बनता है, भैया बनेंगे या मैया बनेंगी, इसके अलावा और कौन ही बनेगा। भैया ऐसा लग रहा है कि बस एक परिवार में टेनिस की बॉल की, ये चांद बाबू बड़े वो हैं यार, मतलब खूब ट्वीट करते हैं। वॉइस ऑफ पीपल्स राहुल गांधी, वॉइस ऑफ पीपल्स राहुल गांधी, क्या लिखा है ये, रियल वॉइस ऑफ इंडिया, अच्छा असली बात, राहुल जी पीएम इंडियन पीपल, हाँ हाँ मस्त जोक मारा। इंडिया नीड्स कांग्रेस, भैया का हो रहा है ये, सो स्केयर्ड दैट नाउ द फियर इज ओवर, इनकलाब जिंदाबाद। किससे डर था, सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि आपको डर किससे था। गिविंग फॉल्स अश्योरेंस चमचे, राहुल जी पीएम बनेंगे, बस करो मेरे गुलामों, राहुल जी ने खुद ही बोल दिया भैया बस करो। ये देखिए कोबी भी आ गया, लो मी आफ्टर वॉचिंग दिस, कोबी भी आ गया इसमें भैया, ये देखिए आय हाय हाय, आई डोंट नो हाउ बट ही विल बी द नेक्स्ट पीएम, हाउ कैन यू थिंक द थिंक जोक्स लाइक दिस, आय हाय हाय। ये देखिए एक तो आप लोग उसको रात को छोटा भीम दिखाते हो तो वो रात भर वैसे ही नहीं सो पाते हो, फिर ऐसे सोते हैं तो आप लोग उंगली उठाते हो, भैया बिजी भी तो है ना। मणिशंकर अय्यर, द बिगेस्ट बर्डन ऑन अ कंट्री विल बी व्हेन ही बिकम्स द प्राइम मिनिस्टर। लो सा अब कितने सालों से ये बोझा झेल रहे हैं। उस तरीके से कई लोग हैं जो कि भैया अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं इस चीज़ के ऊपर कि राहुल जी जो हैं वही हमारे अगले पीएम बनेंगे और उनसे बेहतर पीएम कोई हो नहीं सकता। अब आप लोग भी अगर ऐसा सोचते हैं या आप लोग इसके कॉन्ट्रडिक्ट्री में कुछ सोचते हैं तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल बताइए, हम भी तो ज़रा पढ़ेंगे आपके दिमाग में क्या चल रहा है। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही, जय हिंद जय भारत।